आगे चले जी। हाँ कोई नहीं, बस और सवाल नहीं बता के चले। चले आगे जी। बयान टीले। अच्छा जी, लतीफ़ा। रेत के टीलों पर कदम नहीं जमते, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला का दीदार। चले क़यामत अल्लाह ताला का दीदार करते वक्त लोग सफ़ेद रेत के टीलों पर होंगे। रेत के टीलों पर कदम नहीं जमते, रोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करते वक्त लोग सफ़ेद रेत के टीलों पर होंगे। अब कदम ना जमने से क्या मुराद है? एक तो सादा मुराद है। दूसरी मुराद इसकी ये है कि वो जो आपका दीदार है वो दायमी नहीं है, वो थोड़ी देर का है। जब टीले के ऊपर अगर आपका कदम ज्यादा देर नहीं जमेगा तो इसका मतलब है आप लड़खड़ाएंगे और नीचे जाएंगे। जब नीचे जाएंगे तो वो दीदार हमेशा के लिए नहीं है, कुछ टाइम के लिए है। उस टाइम के बाद आपने वापस उस टाइम की तरफ इशारा है। टाइम वो टाइम गुजारने के बाद आपने अपने वापस जन्नत में जाना है। ये नहीं कि आप सारी आप हमेशा के लिए दीदार में ही रहेंगे। वो वहाँ पर उसने एक टाइम रखा हुआ है, उस टाइम दीदार होगा और फिर वापस। क्योंकि रेत का टीला जो अगर कहा है तो इसका मतलब है कदम नहीं जम रहे, तो वो हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ी देर ही है, जितनी देर वो देख सके। नेक्स्ट है जी। बाकी तो वो उसका है, जन्नत में जो दीदार होगा वो कसीब की बात है कि वहाँ पे। ठीक है आगे है लतीफ़ा जी। इब्लीस को इनकार के बाद ये पता चला कि उसका सजदा मुराद ना था। यही मुआखज़े की जा है, जिस किसी ने वकू पजीर होने से पहले मकदूर का मुशाहिदा किया और फिर वैसा ही हुआ तो हमारे असहाब के नज़दीक ये वाक़या होकर रहता है, लेकिन इस शहूद का उसे कोई फ़ायदा होता है या नहीं। ये आगे सवालिया निशान है। फिर कहते हैं जी कि लतीफ़ा, इब्लीस को इनकार के बाद पता चला कि उसका सजदा मुराद नहीं था। बिला इब्लीस को ये पता चला कि जो मेरा जो इनकार था, इनकार के बाद उसे पता चला कि मुराद सजदा नहीं था, यही मुआखज़े की जाए। बाद में पता चला उस वक्त उसे नहीं था बाद पता। में पता चलना मुआखज़े की जाए। जिस किसी ने वकू पजीर होने से पहले मकदूर का मुशाहिदा किया, जिसने पहले पता चल गया। जैसे अगर वो बाकी उसे पता चल जाता पहले तो उसे ये वो लाइन ना होता, मामला उसका ये वाला ना होता जो आजकल है उसका। अभी जो है पहले मकदूर का मुशाहिदा किया और फिर वैसा ही हुआ तो हमारे असहाब के नज़दीक ये वाक़ होकर रहता है। जिस किसी ने वकू पजीर होने से पहले इसका मकदूर का मुशाहिदा किया और फिर वैसा ही हुआ जिस तरह के उसने देखा था होगा, वैसा हो गया, तो हमारे असहाब के नज़दीक ये वाक़या होकर रहता है। तो होकर रहने से मुराद हो गई रहेगा ना, फिर जो मतलब उसने देखा था, जो मुशाहिदा किया, तो जाहिर सी बात है उसके बाद वो वाक़या होगा ना। नहीं ये इसका ये है, ठीक है पहुना साहब ना वाक़ तो फिर हमारे साहब के नज़दीक ये सवाल है आगे कि क्या उसको इसका फ़ायदा होगा या नहीं, ये सवाल है। नहीं फायदा तो देखें किस सेंस में, वो एने साबित वाले चक्कर में इस सवाल का कौन जवाब देगा, वो मुश्किल सवाल है। वो असल में दूसरी सेंस में दूसरी तरफ निकल जाता है ना। नहीं असल सवाल तो यही है ना। फिर वो एने साबित की तरफ चला जाएगा तो वो हम अपने मौजू से हट के फिर उधर चले जाएंगे तो फिर लंबा एक वो टॉपिक बन जाएगा, जिस वजह से लिहाजा इसको यहीं पर ये सवाल ही रहने देते हैं। इस सवाल का जवाब कोई बंदा देगा तो असल अगर हाँ जी दोस्त सवाल का जवाब दिए जो दोस्त सुन रहे हैं वो अगर इस सवाल का जवाब देना चाहें कोई कमेंट में, तो आप दोस्तों से कहा था कि हमें जो है ना वो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ था आपको, कोई वॉइस मैसेज करें ताकि पता भी चले कि कोई मैसेज आता भी है हमें या नहीं। ये राजा साहब भी आ गए हैं, राजा साहब से पूछें सवाल का जवाब। राजा साहब आप ये सवाल का जवाब दें जी, मैं ये पढ़ने लगा हूँ लतीफ़ा और इसका जवाब दें। इब्लीस को इनकार के बाद ये पता चला कि उसका सजदा मुराद ना था, यही मुआखज़े की जा है, जिस किसी ने वकू पजीर होने से पहले मकदूर का मुशाहिदा किया और फिर वैसा ही हुआ तो हमारे असहाब के नज़दीक ये वाक़े होकर रहता है, लेकिन इस शहूद का उसे कोई फ़ायदा होता है या नहीं। अब ये फ़ायदे की बात है जी कि शहूद के बाद बस सादा सवाल ये है कि अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आपके साथ ये होना तो है, वो उसको तो चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन उस पहले पता चलने से आपको कोई फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि इब्लीस को तो बाद में पता चला ना, तो शेख ने कहा बाद में पता चलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर तो पकड़ है। तो ये सवाल शेख ने छोड़ दिया, बताया नहीं है इसका जवाब, लेकिन किसी और किताब किसी और इस जगह नहीं बताया। खैर जब मैं उनको चुप करवा के हूँ, बहुत ज़्यादा रोले डाल रहे हैं। चलो नहीं होने का सवाल नहीं है, उसका आपको क्या फायदा है पहले? उसका अगर पता चल जाता है बेल फर्ज, किसी को कश्फ में पता चल जाता है मैं बाहर जाऊँगा बेल फर्ज, मैं कहता हूँ जी मुझे पता चलता है जी कि मैं भी बाहर जाऊँगा, गाड़ी है मुझे टक्कर मारेगी मेरी टांगें टूट जाएंगी, तो मुझे क्या फ़ायदा है? चलो मुझे पहले पता चल गया, क्या वो
बदला जा सकता है जो बायर मेरे साथ होना है, या वो उसी एज इट इज होगा? ये सवाल है, ये क्वेश्चन ये है कि इसका कोई आंसर देना चाहिए तो। मैं अगर बिलफर्ज मैं यहाँ से उठता हूँ तो मुझे नहीं, मुझे कश में अभी पता चल जाता है कि मैं बाहर निकलूंगा, चले कोई भी बंदा, मैं चले वो जो होना है जी वो होना है, वो तो हो गई रहेगा चाहे आमीन के या ना के, हमें तो उस बात का। अच्छा चले ना सवाल का जवाब, मैं सवाल का ये था कि देखें सवाल का जवाब तो किसी ने दिया, अगर कोई बंदा चले यहाँ से जाता है बाहर, उसको टक्कर लगती है गाड़ी की, नहीं सवाल ये नहीं है, मुशायद यार मैं कहता हूँ उसको कश्मीर में पता चल गया पहले, सवाल ये है ही नहीं कि उसको पता चल गया, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ना कि अगर कोई बंदा यहाँ से जाता है बाहर, उसको शायद यहाँ पता चलता है कि मैं बाहर जाऊँगा मुझे गाड़ी की टक्कर लगेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या वो उसे इस चीज़ का फायदा है जो पहले पता चला, क्या वो उस चीज़ को बदल सकता है या नहीं? ये सवाल नहीं है। फिर क्या सवाल है? यही सवाल है, घंटे से मैं क्या कह रहा हूँ, ये सवाल नहीं है, यही क्वेश्चन है। देखिए ये तो शेख ने कह दिया कि वो तो हो कर रहेगा, इसमें क्या कोई शक नहीं है, क्या उस शोध को से फायदा होगा या नहीं? ये सवाल तो यही मैं कह रहा हूँ, शोध का क्या फायदा उसको जो पहले पता चल गया, यही है ना। पीछे शेख ने किस चीज से रिलेट किया, इबलीस से क्या रिलेट किया? ये तो नहीं किया कि उसने सजदा करना था नहीं करना था, वो तो सबको पता था, इबलीस को भी पता था करना ही करना है, लेकिन वो उस सजदे ना करने की वजह से जो बदबख्त बन गया, तो फायदा इस सेंस में है कि उसको क्या ऐसा कुछ करने के बाद आगे उखरवी पकड़ होगी या इस तरह का मामला होगा कि नहीं, ये तो सबको पता है होना, तो वही है सवाल, ये है इस जगह पे। अब आपको समझ में मेरे ख्याल में आ गया शायद थोड़ा बहुत, मतलब आपसे कुछ गुना हो, फर्ज कर रहे हैं, जहरी बात है गुना होगा तो फिर उस पर पकड़ भी होगी, होगी ना, ठीक है, जाहिर है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर करने के बाद आप कहें कि या अल्लाह जिस तरह इबलीस कह रहा है कि जी ये तो तेरी मुराद थी, फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर तो अल्लाह कहेगा मेरी मुराद थी तो पकड़ भी आ जा। लेकिन शेख का सवाल ये है कि अगर पहले आपको पता चल जाए कि आपने ये गुनाह कर रहा है, ठीक है, तो उस पहले होने का होना तो उसी तरह ही है, लेकिन उस पहले से आपको क्या फायदा होगा, ये सवाल है। पहले से पता है कि आपने वो गुनाह करना ही करना है, लेकिन आपके माइंड में आ जाएगा मैं तौबा भी कर लूं साथ। हाँ, गुनाह करने के बाद बंदा तौबा करता है तो जान छूट जाती है ना, दुनिया में जब तक सांस है, सांस में सांस है। सही राजा साहब कह रहे हैं कि जी लाइल्मी भी एक नेमत है, जैसे ही इलम होगा तो कानून लागू होगा, लेकिन शेख उसी कानून के वाले से ही तो बता रहे हैं ये, वो तो सबको ही पता है कानून लागू होगा। लेकिन दूसरा कानून ये भी कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। कुछ भी नहीं पता, मतलब ये नहीं है क्या कुछ और किया नहीं, वो तो पकड़े ही गया ना, जाहिल तो पकड़े ही गया, वो तो छोड़ दें, हम तो आलिम की बात कर रहे हैं जिसको पता चल गया उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर शेख ने सिर्फ सवाल दिया, जवाब नहीं दिया, लेकिन एट द एंड उन्होंने किसी और किताब में कहा है कि उसको फायदा होगा। अगर पता चल जाता है उसको पहले तो क्या फायदा होगा? पॉइंट यही है ना, नहीं फायदा क्या बाद में पता चला, नहीं फायदा क्या होगा ये तो फायदा उसको ये होगा कि उसकी जो पकड़ होनी थी ना उसमें थोड़ी सी उसकी रिलैक्सेशन हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, हो सकता है पकड़ भी ना हो किसी सूरत में। नहीं, अगर उसे पहले पता चल जाता है उसने गुनाह कर भी दिया, अगर उसे पता चल गया पहले गुनाह भी उसने कर दिया, गुनाह तो करना ही है ना, मैं वो तो करना ही करना है ना, बचत आई नहीं, उसमें किस फायदा किस सेंस में होगा ये मैं पूछ रहा हूं। इसका ताल्लुक नियत के साथ तो नहीं है? अगर उसको पता लग गया कि ये काम गलत होने जा रहा है, मैंने करना है, और अगर उसकी नीयत ठीक होती है, कहते हैं दिल में बुरा जान रहा है ना, दिल में तो बुरा, दिल में तो बुरा जान रहा है, दिल में बुरा जान, बुरा जान लिया तो ठीक है, और फिर उसके बाद तौबा इस्तिगफार वाला भी उसके लिए खुला है। देखें जो पहले भी तौबा कर सकता है, अच्छा ये एक अलग पॉइंट है कि गुनाह करने से पहले भी उस गुनाह से तौबा कर सकता है, तो इस वजह से उसकी पकड़ तो शुरू से ही माफ हो जाएगी अगर कबूल होगी तो। ये बहुत ज्यादा पॉइंट है कि अगर उसको पता भी लग गया कि ये गलत है, जैसे आजकल होता है फॉर एग्जाम्पल झूठ बोलना है, तो हमें से हर बंदे को पता है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन वो जाता है और बाहर जाके उसको पता होता है मैंने जाके ये बिजनेस ये डील करनी है और मैंने झूठ बोलना है, तो पहले से पता है, और फिर वो जाके नीयत भी उसके खराब है, जाके झूठ भी बोलता है। नहीं, ये और चीज है, यहाँ पर जो शेख इसको कह रही है कि जो मकदूर में भाई ने ही देख के, क्योंकि ये तो एक और चीज है ना। अब ये ऐसे इसको लो लेवल पे रिलेट कर रहा हूँ, नहीं वो जो लो लेवल पे रिलेट है ना, वो बंदा एक तो उस यकीन के उस लेवल पे ही नहीं है। अब ये ना यहाँ पर वो क्या बंदे को कह रही है कि जो अपनी कशफ से अपनी आसादा लफ्जों में लो महफूज को पढ़ रहे कि यार मैंने ये करना है, अब उसमें वो बंदा नहीं आ सकता कि जो कहे कि जी मैंने जाना है बिजनेस, ये तो और चीजें आ गई है। नहीं नहीं, वो सही है एग्जाम्पल के तौर पर, कि उसकी आप मर्जी बीच में शामिल हो गई, तो जिसने लोहे महफूज में पढ़ लिया कि मैंने ये करना है, आप अगर उसकी मर्जी बीच में यार ठीक है करना है तो वह जान लो। नहीं देखिए, एक देखिए बातें इसमें वो दो आ गई ना, एक तो बंदे को पता चल गया पहले से जी कि ये गुनाह मुझे सरदर्द होगा, ठीक है, उसने उसको दिल में बुरा जाना यार ये होना नहीं चाहिए बस, लेकिन फिर भी क्योंकि मकदूर में है कि ये इसने करना है, उसने तो वो कर दिया और तौबा उस जब गुनाह का सोचा उसने यार ये मैं करूंगा, पहले पता लग गया उससे पहले ही तौबा कर ली उस गुनाह की, पहले तौबा एक बहुत बड़ा पॉइंट, उससे पहले जो तौबा कर ली ना, नीयत की बात है, नीयत में उस तरफ मैदान था या उसके अगेंस्ट था कि यार अगर ये मेरे से होना है तो मुझे उछाले, हाँ ये भी,
तो अगर उसने इतना भी कह लिया कि अल्लाह मुझे बचा ले, तौफीक देना, हिम्मत देना कि मैं ये ना कर सकूं, तो भी इसका मतलब है ठीक है, इसका फायदा होगा। लेकिन अगर वो कहता है कि भाई ठीक है होना है तो जान दो, उस सूरत में दिल में बुरा नहीं जानता उसको। अच्छा ये सोहेब खान साहब कह रहे हैं अगर तकदीर मुबरम है तो फायदा नहीं है, क्योंकि जो लेकिन अगर तकदीर मुअल्लक हो तो बदल सकते हैं, मतलब उन्होंने अपना पॉइंट दिया है। वलीद खान साहब कह रहे हैं अगर वो अपने यकीन में पुख्ता होगा तो तस्कीन में रहेगा और रहेगा कि जो भी है मेरे रब की तरफ से है, मैं उसको कबूल करता हूँ, तात में हूँ, ये इनका पॉइंट है। और सईद राय साहब कह रहे हैं इब्लीस ने तो हसद और तकब्बर में सजदा नहीं किया था और साफ कहा था कि मैं आग से बनाया, इनसे तकब्बर की माफ़ी नहीं, मतलब वो तो तकब्बर में आ गया। और ये सदाकत अली शाह साहब कह रही हैं कि जी हज़रत इब्न अरबी साहब की अल्फाज और मानी तहरीर हद से ज़्यादा रकीक और रकीक है, तो गालबन इसी लिए उसको समझना इनफरादी तौर पर मुमकिन है लेकिन कुल्ली और मजमूई समझ नामुमकिन है। इब्तदाई तौर पर इसी तरह ही होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको शेख की जब फैन खुलती है तो फिर समझ आने लग ही जाता है। एट द एंड आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही नामुमकिन है, अगर नामुमकिन होती तो फिर शेख लिखते क्यों, मुमकिन कलाम क्यों लिखते कि जो किसी की भी समझ में नहीं आना। तो इसका मुराद यही है कि किसी की समझ में आ जाता है लेकिन अक्सर की समझ में नहीं आता। तो ठीक है ना जी, इसका फिर यही है फाइनल, इसका यही हम लोगों ने नतीजा निकाला है कि जो उससे पहले जो है ना गुनाह से पहले वो उसको पता अगर लगा कि ये गुनाह मुझसे सजद होगा तो उसकी उसने तौबा तायब कर ली, वो दिल में भी मतलब बुरा जाना, वो दोनों बराबर नहीं है, जिसको बाद में पता चला और जिसको पहले पता चला वो दोनों बराबर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ यानी पहले वाले को फायदा हो जाएगा क्योंकि उसने दिल में उसमें बुरा जाना है और साथ तौबा कर ली है। मतलब वो सकने से मुराद है ये नहीं कि वो होगा, ये मतलब नहीं है, हो सकता है अगर वो उसको अपने इस्तेमाल कर ले, इस्तेमाल करे तब फायदे में इस्तेमाल कर ले। चलेंगे आगे, चले लतीफ़ा। लतीफ़ा, आलम अनफास जो कि सखावत के झोंके हैं, जब किसी ज़ुबान पर वारिद होता है तो उसमें शोक और बेचैनी को जाहिर करता है, बेशक नफ्स अर्रहमान मेरी तरफ दाएं जानिब से आया, ईमान यमान है, ईमान जमान है और हिकमत यमानी है, नरमी इसी तरफ से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा दाएं कुव्वत वाली जानिब था, अपने रब के झोंकों का सामना करो, उसके लिए जगह तैयार रखो, पुरनूर हायकल हयाकल जैसा कि फरिश्तों को अनफास हरकत देते हैं और तारीख हयाकल जैसा कि इंसानों को अनफास यानी सांसों के खात्मे से ख़त्म हो जाते हैं, गोया कि ये दीवार से लगाई लकड़ियां हैं। काफ़ी मुबम सही है है ना मुश्किल है, मैं खुद कह रहा था ये किस किस्म का है भाई, अबरार साहब इसको खोलेंगे कोई। चलें जी, आलम अनफास जो कि सखावत के झोंके हैं, आलम अनफास तो वही है ना कि नफ्स का आलम जो है, सांस सांस का, सांस का आलम है, सांस से मुराद इसमें मुख्तलिफ चीज़, रूह फूंकना भी सांस की इशारा है, फूंक बेसिकली, फूंक जो है अनफास से मुराद ये बोला है, जो कि सखावत के, सखावत से मुराद ये है कि जब रूह फूंकी तो तेरे ऊपर सखावत की वजूद दिया, जब किसी इंसान पर वारिद होता है तो उसमें शोक और बेचैनी को जाहिर करता है, यानी आलम अनफास जब किसी इंसान पर, आलम अनफास जब किसी के ऊपर जाहिर होता है तो उसमें शोक और बेचैनी पैदा होती है, बेशक नफ्स अर रहमान मेरी तरफ दाएं जानिब से आया। आप दाएं जानिब से क्या मुराद है, दाएं जानिब से तो कुव्वत मुराद है, कुव्वत मुराद है क्योंकि आगे जिक्र कर दिया ना, बेशक नफ्स अर रहमान, इसमें जो है ना ये इस हदीस का मुख्तलिफ तर्जमा भी किया जाता है लेकिन शेख के नज़दीक ये तर्जमा, और मैंने जब पहली दफ़ा शेख का पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब भी लगा, इन्ना नफ्स अर रहमान यातीनी मिन कबल यमन, तो वो लोग इसको यमन कहते हैं कि जी नफ्स अर रहमान मेरी तरफ यमन से आया, तो ज़्यादातर लोग जो यमन की तकदीस बयान करते हैं वो इस हदीस की वजह से भी कहते हैं जी यमन देखें हदीस में जिक्र आया, तो लेकिन शेख अकबर के नज़दीक यहाँ पर यमन मुराद नहीं है, उसकी वजह ये है कि शेख अकबर की ये हदीस जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो उस वक्त आप मक्का में थे और यमन की बजाय आप मदीना की तरफ हिजरत करके गए और यमन इस तरफ है और मदीना दूसरी तरफ है, डायरेक्शन ही चेंज है टोटली, नहीं वो तो सही है, वो तो वाजी है, इसकी एटमोलॉजी से तो वाजी है, लेकिन लोग जो तर्जमा करते हैं आप ज्यादातर वो यमन यमन मतलब वो यमन शहर जो नहीं है उससे मुराद ले लेते हैं, इससे मुराद तो दाई जानेब है, यमीन जिसको कहते हैं दाया और शमाल बाया, तो ये हदीस असल में बेसिक है, बेस है इसकी। आगे कहते हैं अल ईमान व यमान वल हिकमत यमानिया, कि ईमान जो है वो यमान मतलब मजबूती की जा है, कुव्वत वाला मकाम है ना, दाया हाथ कुव्वत वाला होता है, बाया हाथ जो है वो कमजोरी की तरफ इशारा होता है, इसी तरह हिकमत को भी कहा कि यमानिया है। फिर आगे कहते हैं अर्रिफ़ हा हुना, अर्रिफ़ हा हुना व अशारा इलल यमन,
और रिफ कहा होना, ये दाएं मजबूती की तरफ नरमी, मतलब यमन की तरफ इशारा नहीं किया कि उधर नरमी है, दाएं जानब की जब तब इशारा हो रहा है तो दाएं की तरफ इशारा किया कि यहां पर मजबूती में मतलब नरमी है, इस तरफ नरमी है। तो फिर आगे कहा कि तार रजूल नफहात रब्बिकुम, के अपने रब की ये जो झोंके हैं उनके सामने आओ या उनका उनका सामना करो। तो आगे वो हय उल महाल, अपने आप को तैयार करो। आगे फरमाया कि जी हयाकुल अनवार तो हर रिकुल अनफास, कि जो नूर के हयाकल, हयाकल से मुराद तो यही है ना कि वो जिसम आप उसको ले सकते हैं साधन अल्फाज में, हयकल वो चीज़ होती है ढांचा जिसको ढांचा सूरत है उसकी, हाँ सूरत है, मतलब किसी कोई रूह उसको चला रही है। हफ्त हैकल से क्या मुराद है, सात हफ्त तो सात हो गया ना, हयकल से पता नहीं क्या मुराद है। अच्छा कहते हैं कि अनवार वाले हयाकल जो हैं उनको अनफाज चलाते हैं, शश तो छे हो गया ना, ताले कुफल ताले कि जिससे शर नहीं आ सकता, वो कुछ आयात हैं वो पढ़े ना तो उससे हिफाजत हो जाती है। और हफ्त हैकल, हैकल मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कहते हैं, मजबूती उसके अंदर कला। अच्छा ये उन्होंने आगे तो ये है कि जी अनवार वाले हयाकल जो हैं उनको अनफास हरकत देते हैं, और जुल्मत वाले जो हयाकल हैं वो अनफास से दम तोड़ जाते हैं। कान ना हम खुशबुन मुसन्नदा, के जैसे वो दीवार से लगाई लकड़ियाँ। तो बेसिकली तो इसमें सारा जो इशारा है वो तो अनफास की तरफ ही है, और अनफास में यमीन की तरफ है कि जो कुव्वत वाली जानब है, और उसमें कहा गया कि जी इसमें नरमी भी इसी तरफ ही है, और आगे जो है वो फिर नफहात की जानब है, और नफहात से फिर अगली बात है कि जी अपने अंदर को तैयार करो और अपने जो हयाकल हैं या अपने अज्साम हैं उसको अनवार वाले बनाओ ताकि अनफास से तुम्हारी हरकत हो। अगर तुम्हारे जुल्मत वाले हयाकल होंगे तो फिर तो अनफास से कोई हरकत नहीं होगी तुम्हारी, मतलब अनफास से मराद रब ताला के वही तजल्लियात ही है ना, कि रब की तजल्लियात या जो भी इस सफ़र में आपको चीज़ें पेश आती हैं, वारदात आप कह लें, वो तभी आप कबूल करेंगे कि जब आपके अंदर नूर होगा। अंदर से तो आप बिल्कुल खाली हैं, तो वो तो आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलना वो आई गई हो जानी है। तो इसी वजह से गाना के एंड पे जो आयत की कि कान नाम खुशबुन मुसन्नद है, कि ये तो लकड़ियाँ हैं वो दीवार के पास खड़ी, इन पे तो कोई असर नहीं होता, चाहे बारिश हो जाए चाहे धूप आ जाए, ये तो उधर ही खड़ी हैं बस, लेकिन जो नूर वाला है उसके ऊपर तो कोई भी वारिद आएगी, कोई तजल्ली आएगी तो उसके ऊपर असरात आएंगे ना। तो ये इसकी तरफ इशारा है। और आलम अनफास का कहा कि नफहात वजूद हैं, यानी कि आलम अनफास से ही सारी तुम समझ लो कि हर चीज़ तुम्हें मिलनी है। तो ये बेसिकली तरीकत के तरफ ही टोटल इशारा है कि आपको जो भी वारदात होती हैं, तजल्लियात होती हैं, और जो भी रब की नफहात होती हैं, तो उसको आपने किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, तो शायद इस तरह इशारा है। ये एक चीज़ पता नहीं सही है कि नहीं, बचपन में पढ़ी थी कि एक शेर था, वो भी एग्जैक्ट याद नहीं है, कि ये जो होता है ना कैंडल या मोमबत्ती या जो भी आग लगी हुई है आपका चिराग, उस चिराग को हवा चाहिए जलने के लिए, ऑक्सीजन, सही, तो वो हवा मौजूद है तो वो जलेगा, अगर हवा उसकी बंद कर देंगे तो आग की, आग की मिसाल है कि आग को बंद करेंगे तो वो खत्म हो जाती है। अगर वही हवा एक खास स्पीड से ज्यादा हो जाए, तेज हो जाए, फिर तो भी वो बुझा देता है उसको, बुझा देगी खास। तो मेरे ख्याल में ये उस अनफास की तरफ जो नूरानी अनफास है उसकी वजह से वो जिंदा है, रोशन है, और अगर वही जुल्मानी आ जाते हैं तो वो उसी को खत्म कर सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं। लेकिन जुल्मानी अनफास का जिक्र नहीं है, जुल्मानी हयाकल का जिक्र है। हयाकल से मराद है जुल्मानी तो इंसान है ना, यानी अंधेर जिसम है जो, उनके अंदर कोई नूर नहीं है, तो कह रही है कि वो अनफास उन पे कोई असर नहीं करेंगे, उड़ जाएगा अनफास उसको उड़ा दे, खत्म कर दे, नहीं उस पे कोई असर ही नहीं होगा ना, अनफास ने क्या अनफास उड़ाना चाहे तो उड़ा देगा, लेकिन वो बेसिकली जो है वो रब की तजल्लियात कह लें या नफहात जो लफ्ज़ है ना, वो बेसिकली चूँकि ये नफा जो है ये सांस से रिलेटेड है, कि झोंका जिसको आप कहते हैं खुशबू का झोंका, तो ये सारी, अब शेख अकबर ने इस पूरे इशारे में ना ये सांस फूंक झोंका ये इस तरह के अल्फाज लेके चले हैं, तो इसकी मुनासबत से ये मतलब ये नफहात का लफ्ज़ लेकर आए हैं। अगर वो दूसरी बात कर रहे होते ना तो फिर वो तजल्लियात का लफ्ज़ ले आते, शहूद की बात कर रहे होते तो फिर तजल्लियात का लफ्ज़ लाते, चूँकि यहाँ पर बात अब एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो बन गया है कि जी अल्फाज से, तो फिर इस वजह से अल्फाज ये इस तरह के आए हैं, मुराद मतलब वही है। अच्छा ये कोई कमेंट है जी, एक अच्छा ये कहते हैं ये तो ऊपर से गुजर गया, चलो ये हो सकता है आपको समझ में आ जाए, एक है तो मुश्किल है, अगर ये नजर आए कि उसकी आयन साथ और तकदीर में जन्म है तो वो क्या करे, कहता जी अगर कहता है अगर किसी को नजर आए कि उसकी आयन साथ और तकदीर में जन्म है, पता नहीं इतना वली अल्लाह कौन होगा जी, वो अपनी जन्म भी खुद ही देख लेगा। नहीं देखें वो प्रिज्यूम तो कर सकते हैं ना कि
मैं अगर मेरे जो हालात चल रहे हैं अभी, जो मैं काम कर रहा हूँ, ये काम मेरे सारे उधर दोज़ख में जाने वाले हैं। तो वो उस पहले से पता तो चल ही जाता है बंदे को कि मेरे जो, हाँ बस अगर पता चल भी गया है ना तो वो तोबा शुरू कर दे आज से, अस्तगफार। नहीं वो पता किस तरह चलेगा, काम जो कर रहा है उसे काम से नहीं कह रहा, आयाने सप्ताह को नजर आने से कह रहा है। तो ना कड़ा जाना जरा जाके तक लवे, जरूरी नहीं है ना कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उसको नजर आए। हां वो तो सही बात है, प्रोबेबिलिटी वो इसका ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला उस पे इतना करम करे कि उसको दिखा दे। नहीं देखिए मैं कहता हूं वो दिखाएगा, अगर दिखाए नहीं भी ना तो जो बंदा गुनाहों में है ना, वो ये तो कह सकता है यार जो गुनाह है इसका अल्टीमेट एंड क्या होना है, वही ना नहीं, तो नहीं, उसको आ नहीं सकता। नहीं अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, आने सप्ताह की बात है। उसकी वजह यह है कि उसके इमाम को नजर नहीं आया, शैतान को अगर अल्लाह ने नहीं दिखाया उसको बाद में पता चला, तो ये इसके मुक्तदी को तो नजर नहीं आ सकता, अपने इमाम से तो आगे नहीं जा सकता ना, तो किसी सूरत उसको इस तरह से तो नजर नहीं आएगा। और तौबा शुबा शुरू कर दे जो भी है। सही शाह साहब कह रहे हैं जी ब्लिसफुल, और सईद राजा साहब कहते हैं हकले सुलेमानी। वलीद खान साहब कह रहे हैं क्या इससे जमीर भी है किसे मजबूत को, पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने, ज़मीर कौन सा, छोटी सी चीज़। सही राज साहब कह रहे हैं छोटी सी चीज़ का बहुत बड़ा होना, मामूली चीज़ का जुस्सा बड़ा हो जाना जैसे राई का पहाड़ होना। वरीद खान साहब कह रहे हैं इस लेवल का कष्ट तो मुमकिन नहीं है, हाँ इस तरह का तो नहीं हो सकता। अगला पढ़े अगे नेक्स्ट लतीफ़ा है जी कि जो कोई शक्ल बनाए तो उसे चाहिए कि गोल शक्ल बनाए। नहीं तो पिछला भी पढ़ना, इशारा हिकमत अकल में रखी गई, इसके साथ नहीं, अच्छा इसके साथ है इशारा हिकमत हैकल में रखी गई है, हयाकल में रखी, हयाकल हयाकल वही है हिकमत, सूरत सूरत में उस सूरत के अंदर रखी गई। अब ये सूरत है ना, इसके अंदर हिकमत ही है ना जी, सारी अब देखने में तो बंदा ही नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कितनी की सारे मुख्तलिफ हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हिकमत क्या है, हिकमतें हैं क्या, इसके अंदर सारी चीजें जोड़ तमाम सूरतों की बात है, हर सूरत ऐसे तो नहीं होती। तो ये इशारा इस तरह से लतीफा, जो कोई शक्ल बनाए तो उसे चाहिए कि गोल शक्ल बनाए क्योंकि हवा लाजमी इसे धकेलेगी, हाँ ये लुढ़केगी मगर लौटेगी नहीं, टूटेगी, सॉरी टूटेगी नहीं, क्योंकि गोल शक्ल बाकी रहने वाली है। जैसे पता हवा तो खेलेगी तो वो टूटेगी नहीं ना, यूँ गोल गोल घूम के चला जाएगा, बॉल है तो वो तो घूम के चली जाएगी। अब ये जैसे कोई चीज़ यहाँ पे ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर कोई चीज़ खड़ी तो गिरेगी तो टूट जाएगी, गोल चीज़ है वो घूम के जाएगी। ठीक है जी आगे, टूटेगी नहीं क्योंकि गोल शक्ल बाकी रहने वाली है। अब इसका क्या है जी, गोल शक्ल बाकी रहने वाली, इसमें तो क्या, ये असल में वो आजकल तो साइंस में यूज़ करते हैं ना उसको, एरोडायनामिक्स जिसको कहते हैं आप, कि हवा की किस स्पीड में से आपने फिर हवा को गुजारना होता है, ये उसकी तरह इशारा है ना, कि अगर बहुत देखें गाड़ी बनाते हैं तो किस तरह उसकी एरोडायनामिक्स बनाती है कि जी हवा इधर से आए इधर से ऊपर से निकल जाए, तो बिल्कुल जी डब्बा होगी तो एक स्पीड तक उससे आगे नहीं जा सकती, मतलब ये सारी सेंस में शायद बात कर रहे हैं कि गोल शक्ल जो होगी या बैजवी कह लें या इससे मिलती जुलती गोल से मिलती जुलती जो होती हैं कि जो हवा को आगे पीछे निकाल देती हैं उसको रोकती नहीं है तो उसकी वजह से वो बरकरार रहती हैं, तो ये उसकी तरफ इशारा है। और क्या इसमें मेरे ख्याल में एक इशारा ये भी हो सकता है कि जैसे दरिया के अंदर पत्थर होते हैं ना, तो इनिशियली जब पत्थर टूट के बीच में गिरता है और पानी जब उसको बहा के लेके जाता है तो वो घुमाता है उसको, जूं जूं घुमाता है तो उसको कोने जो है ना वो टूटना शुरू होते हैं, गोल अल्टीमेटली किसी दूर जगह पहुँच के तो वो फिर गोल होता है। तो कहते हैं कि तुम्हें इतनी मार खा के इतना टूट टूट के अपने ऐसे पुर्जे निकाल के टूटने के बाद गोल होना, तो बेहतर यह है कि शुरू से ही तो गोल हो ताकि बचा वो उतनी टूट फूट तेरी पहले ना हो। नेक्स्ट इशारा जी, इशारा यहाँ सिर्फ हक और खल्क है, जब तू किसी एक की तरफ जाता है तो दूसरे से मुंह फेर लेता है। ऐसी बात है जिसकी तरफ जाएगा उधर से मुंह फेर लेगा, अगर हक की तरफ जाएगा तो जो खल्क से मुंह फेर लेगा, मुतजाद है ना, एक ही तरफ जिधर मुंह करेगा तेरा ध्यान सारा उधर ही होगा, जिसकी तरफ भी करेगा, चाहे हक की तरफ कर ले चाहे खल्क की तरफ कर ले। ये वाला भी हमारा ख़त्म हो गया जी, जो बयान था टीले, तो टीले वाले बयान में अगर किसी का कोई सवाल है दोस्त का तो वो करे। वलीद खान साहब कह रहे हैं कि जी फिजिक्स की बात है, और सोहेब खान साहब कह रहे हैं सरफेस टेंशन सबसे कम होता है जब सरफेस स्फेरिकल हो, इसीलिए रेन ड्रॉप स्फेरिकल होती हैं, मतलब वो बन जाती है। होती तो नहीं होगी जब शुरू में, लेकिन वो वही बस रेजिस्टेंस और सारा कुछ करके बैट दी एंड पे बन जाती, जिस तरह आपने कहा पत्थर बन जाता है गोल हो जाता है। तो किसी दोस्त का सवाल है जी इसके मुतालिक तो करें, अभी हम 2 मिनट रुकते हैं, वक्फा करते हैं।